बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मैं सैयद खुर्रम अब्बास नकवी नाइन जेम्स की तरफ से अली अब्बास प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी दिनों के लिए आपसे गायब रहा, और गायब रहने की वजह यह थी कि एक तो ईद थी और उसके साथ कुछ फौतियाँ हो गई जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। लेकिन आज फिर मैं अपने मोमिनीन के बीच में हूँ, और आज मैं हदीसे कुदसी से शुरू करना चाहूँगा। और हदीसे कुदसी है कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। सपुर्द कर दिया अपने आप को तूने उसके जो मेरी चाहत है, तो बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। और हटा लिया तुमने अपने आप को उससे जो मेरी चाहत है, तो छीन लूँगा तुझसे वो भी जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। तो उसकी चाहत के अंदर हमने आप मोमिनीन के लिए एक प्रोग्राम मुरत्तब किया हुआ है कि क्या हम मोमिनीन एक दूसरे को जान सकते हैं, देख सकते हैं, मिल सकते हैं, क्या हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और हम में खूबियाँ क्या हैं, हम में खामियाँ क्या हैं, और हम अपनी खूबियों को बढ़ा कैसे सकते हैं, और हम अपनी खामियों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ये इल्मे जफर के ज़रिए मैं आप मोमिनीन हज़रात को बताऊंगा कि कैसे आप अपनी खूबियों को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपनी खामियों को ख़त्म कर सकते हैं। आपकी शादियां नाकाम क्यों होती हैं, आपके बच्चे पढ़ाई की तरफ रागिब क्यों नहीं होते, आपकी जो बहुत सारी घरेलू प्रॉब्लम हैं उनकी असल वजह क्या कोई जादू टोना है, या ख़ुद आपके घरेलू प्रॉब्लम्स, या आपकी कोई ज़ाती किस्म की प्रॉब्लम है। हम ये देखेंगे कि इन शादियों के ना होने की वजह और होकर नाकाम होने की बेसिकली वजह क्या। तो आज मैं अपने बहनों भाइयों को बहुत सारी चीज़ों के साथ ये भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उन शादियों के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि कोई घर ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर किसी बच्ची के लिए अच्छे रिश्ते ना आ रहे हों। एज जैसी उसकी 18 क्रॉस करती है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और हम इस बुनियाद पर कि और अच्छा और अच्छा और अच्छा, इस बुनियाद पर हम बहुत सारे रिश्तों को जो है वो निकाल देते हैं। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये हो जाती है, या ये सवाल का जवाब दे दिया जाता है कि जी बच्ची हमारी अभी पढ़ रही है, अभी तो हम नहीं करेंगे, या इससे ज़्यादा बढ़ के एक और चीज़ आ जाती है कि रिश्ता भी पसंद है, लड़के वाले भी पसंद हैं, लड़की वाले भी पसंद हैं, दोनों तरफ से राजी हैं, नहीं जी इस्तखारा हम करेंगे, इस्तखारा करेंगे तो फिर हम शादी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अब इन शादी ब्याह के लिए इस्तखारा जो है वो शुरू कर दिया जाता है, और इस्तखारे के लिए आप किसी भी ऐसी शख्सियत को जो आपकी नज़र के अंदर वो एक मोतबर शख्सियत है, वो आपकी नज़र के अंदर एक जो है साहिब इल्म शख्सियत है, आप उसके पास चले जाते हैं। और मेरा ख्याल इस वक्त कोई भी ऐसी मस्जिद, कोई भी ऐसा मौलवी, कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां पर आप इस्तखारे के लिए जाएं और वो इस्तखारे को रद्द करें, या इस्तखारे को कहे कि मैं नहीं करता। हालांकि इस्तखारे के लिए सबसे मेन और पहली चीज़ जो है वो ये है कि जिस शख्स से ये इस्तखारा करवाया जाए वो इंतहाई साहिब इल्म हो, साहिब अक्ल हो, साहिब राय हो, साहिब अमल हो, यानी कि वो बाअमल हो। बाअमल लोग जो हैं वो बहुत कम हैं हमारे यहाँ, बस तस्बीह पकड़ी जाती है और इस्तखारा फौरी तौर पे कर दिया जाता है,
और लुत्फ़ की बात यह है कि अगर किसी मौलवी का इस्तखारा हमें पसंद ना आए तो हम दूसरे मौलवी के पास चले जाते, तीसरे मौलवी के पास चले जाते, और उस वक्त तक इस्तखारा करवाते रहते हैं जब तक इस्तखारा हमारे हक में नहीं आ जाता। बल्कि इस्तखारे के लिए तो मैं आपको एक बहुत ही अछूता सा वाक्या सुनाता हूँ। एक भाई साहब थे, उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था, और एक रिश्ता मिल गया, और रिश्ते के लिए अब शदोमत से शुरू हो गए। तो उन्होंने ये कहा, जी इस्तखारा कर दें, इस्तखारा आना भी हाँ में चाहिए। तो उन्होंने ये किया कि इस्तखारे के लिए उन्होंने एक अपने साहिब इलम बंदे से रजू कर लिया, और साहिब इलम बंदे से रजू करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जी इस्तखारा किया जाए। तो इस्तखारा इस तरह था कि लड़के का नाम था अली रज़ा और लड़की का नाम था बिनिश फातमा। अब उस उन्होंने ये कहा, यूनुस हैदर भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उन्होंने इस्तखारा किया, और इस्तखारे का इतनी हैरत अंगेज चीज़ की कि उन्होंने इस्तखारा किया तो इस्तखारा शिद्दत से ना में आ गया, और शिद्दत में ना में आने की वजह से इस्तखारा, उन्होंने कहा जी अब क्या किया जाए। अब लड़की के नाम जो था उसको तब्दील करके फिर इस्तखारा किया गया, अब उसका नाम रख दिया गया रुबाब फातिमा, और रुबाब फातिमा को अली रज़ा के साथ मिलाया गया, मैच किया गया, तो इस्तखारा बहुत बेहतरीन आ गया। तो उन्होंने कहा लो जी इस्तखारा बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, अब आप ये करें कि लड़की का नाम आज से आप रुबाब फातिमा रख दें। ये हैं जी हमारी इस्तखारे की कहानियाँ, और ऐसे ही हम इस्तखारे करते हैं, बल्कि यहाँ तक इस्तखारे हो जाते हैं कि मैं आपको बेशुमार ऐसे घर दिखा सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला ज़िशान भाई, मैं आपको बेशुमार ऐसे घर दिखा सकता हूँ जहाँ पर इस्तखारे हुए, शादियाँ हुई, और इस्तखारे होने और शादी होने के बावजूद कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने डाइवोर्स हो गई, हालांकि इस्तखारा बहुत अच्छा आया था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इस्तखारा करते हैं, वो इस्तखारा करते हैं लड़की और लड़के का, और मे बी कि हो सकता है कि उसको डाइवोर्स जो है वो लड़की के अपने प्रॉब्लम्स की वजह से ना हो, लड़का और लड़की बिल्कुल दुरुस्त हों, लेकिन उनमें हो सकता है कि डाइवोर्स हो जाए लड़के की माँ की वजह से या लड़की की बहनों की वजह से कि फ़लाँ मुकाम पर इसने हमें इज़्ज़त नहीं, फ़लाँ मुकाम पर ये हुआ, फ़लाँ मुकाम पर इसने हमसे ये बात की। तो उसको ये इस्तखारे को कम्प्लीटली तौर पे रब करके आपकी बेशुमार शादियाँ नाकाम हैं, और उसके ऊपर सबसे बड़ी जी यूनुस हैदर भाई आप अपना पूरा नाम बता दीजिए ताकि मैं उसको लिख लूं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पूरा नाम जो बाई बर्थ आपका रखा गया हो वो अगर आप नाम मुझे अपना पूरा बताएंगे, और अगर 7 साल की उम्र से पहले चेंज हुआ है तो वो भी मुझे बताएंगे, बाद में चेंज हुआ है तो वो भी मुझे बताएंगे। शुक्रिया मोहसिन भाई। इस्तखारा अब लड़की और लड़के का किया जाता है, लड़के की माँ का नहीं किया जाता, लड़के की बहन का नहीं किया जाता, और हो सकता है कि डाइवोर्सेज इनको उन्हीं वजह से हों। अब बेशुमार शादियों में लड़का लड़की राज़ी होते हैं, लड़के लड़की का मसला नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ से आ जाती है कि वो ये कहते हैं यूनुस भाई आप अपना पूरा नाम जो बाई बर्थ लिखा गया है, यूनुस हैदर है, यूनुस अली है, यूनुस अब्बास है, वो पूरा नाम आप मुझे देंगे तो मैं आपको आपके बारे में बता सकूंगा, आपकी खूबियों के बारे में बता सकूंगा, आपकी खामियों के बारे में बता सकूंगा, और अपनी खूबियों को बढ़ा आप कैसे सकते हैं ये बता सकूंगा, और आप अपनी खामियों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं ये आपको बता सकूंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम अय्यमा मासूमीन और पाक बीबी ज़हरा सलामुल्लाहा की दुआ से इंशाअल्लाह ताला मैं ये चाहूँगा कि आयमा मासूमीन के अकवाल की रोशनी के अंदर आपको जो है वो बताऊँ, और कोशिश ये करूँ कि अगर आप में कुछ नाकामियाँ हैं तो वो कामयाबियों में तब्दील कैसे की जा सकती हैं, और अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम में हैं तो वो प्रॉब्लम ख़त्म कैसे की जा सकती है। जी हैदर भाई आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए जो भी क्वेश्चन, और मेरे मौला ने अगर चाहा तो बहुत बेहतरीन जवाब उन्हीं की तरफ से आ जाएगा, और अली अब्बास प्रोडक्शन को जो है वो हम जो है बहुत ज़्यादा
तारीफ़ करते हैं बहुत ज़्यादा उनकी चाहत के अंदर, कि ये एक ऐसा इन्होंने प्लेटफार्म बनाया जो मोमिनीन को आपस में बांधता है, मोमिनीन को आपस में बनाए रखने के लिए जितने भी प्लेटफार्म बने हुए हैं, चाहे वो दुआए ज़हरा है, चाहे वो अजर रिसालत है, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो शिया मल्टीमीडिया है, चाहे वो और जितने भी हैं, इन सब ने मोमिनीन को आपस में बांध के रख दिया और मोमिनीन एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वही प्रॉब्लम जो है हम अपने मोमिनीन भाइयों के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई साहिब इलम बैठा हुआ होता है तो वो उसका बेहतरीन जवाब देता है। हैदर अली भाई, अगर आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो फिर आप, अगर पर्सनल है तो ऊपर आपकी एक पोस्ट के ऊपर एक नंबर आ रहा है 0303 वाला, आप उस पर SMS कर दीजिए और उस पर अपना क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिए, हम आपको पर्सनल में जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं नहीं आपका पर्सनल क्वेश्चन जो है इसी लाइव पर बता दिया जाए तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप पूछना चाहें तो क्वेश्चन यहीं पूछ लीजिए, नहीं तो ऊपर जो नंबर दिया व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉल कर लीजिए, अपना मैसेज छोड़ दीजिए, जैसे ही हम फारिग होंगे हम आपको आपके बारे में बता देंगे और साथ ही उस प्रॉब्लम और सोल्यूशन का हक बेहतरीन जो अल्लाह ताला ने हमें अकल अता कर रखी है, जितना इल्म अता कर रखा है उसके मुताबिक से बेहतरीन हल हम आपको बता देंगे, उसके बाद मौला की रज़ा हम आइमा मासूमीन पे छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यूनुस भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो नंबर आपके अली अब्बास प्रोडक्शन की तरफ से आ रहा है वो जो है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप नंबर, और हैदर अली भाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने के कोई मानत नहीं, बल्कि जो भी हजरात अपनी जो हैं वो पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स पूछना चाहते हैं या अपने नगीने के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं, और उससे हम आपको जो जेमस्टोन्स हैं वो हम आपको इल्मे जफ़र के ज़रिए बताएँगे, इल्मे जफ़र के ज़रिए, ना कि हम आपको नजूम के ज़रिए बताएंगे। हम ये जानते हैं कि ये जो जवाहरात हैं ये अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं एज अ मेडिसन आपके लिए, और मैं आप भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी बातें दुरुस्त लगें, अच्छी लगें, तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ काइंडली इसको शेयर करते चले जाइए ताकि और भी बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हम बताएंगे आप में खूबियाँ क्या हैं, हम बताएंगे आप में खामियाँ क्या हैं, हम बताएंगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका हल क्या है। अख्तर अब्बास भाई, सैयद जॉन रिजवी, जॉन आपका नाम बस जॉन रिजवी है, जॉन अब्बास या कुछ भी नहीं है, और जॉन रिजवी और अख्तर अब्बास, अख्तर अब्बास भाई मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। अख्तर अब्बास भाई आपके जो अदाद आ रहे हैं वो 1334 आ रहे हैं। अख्तर अब्बास भाई आपके अंदर आदत है थोड़ी जल्दबाजी की, लोगों पर यकीन बहुत जल्दी कर लेते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा हैं, आप में खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी अपनी वजह से, अपनी जल्दबाजी से आती हैं और मसला नहीं होता, ठीक है। और सैयद मोहम्मद समर मेहदी, सैयद मोहम्मद समर मेहदी साहब हैं, और जॉन भाई आपका नाम सिर्फ जॉन है, आप ये बता सकते हैं। मेरे हसनैन हैदर, आपका पूरा नाम हसनैन हैदर ही है या नाम के साथ चेंजिंग है, और क्या है आपका नाम पूरा, अपना नाम पूरा बता दें अगर आप तो। अल हदाद अल्लादाद खसखेली, आप अब्दुल्ला अल्लादाद, आप अपना नाम उर्दू में लिखकर भेजिए, आप कोशिश कीजिए कि उर्दू में लिखकर भेजिए, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो ए ई जो आई ओ से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो उसका जो है हम वो जो है हम नहीं बता पाएंगे आपको। मोहम्मद शहबाज भाई हैं, और अख्तर अब्बास भाई आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो जर्द रंग का अकीक है, नीलम है और पुखराज है, ये बेहतरीन स्टोन है। इसके अलावा आप अपने बारे में जानना चाहें तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताएंगे। आप
नजर हुसैन भाई, मैं आपको जो है जो नजर हुसैन भाई, मैं आपको बताता हूँ अभी। नजर हुसैन भाई, इंशाल्लाह ताला आपके बारे में बताता हूँ। शहबाज भाई, आपके बारे में बताता हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ खूबियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होती। जॉन रिजवी ही है। अच्छा, जॉन रिजवी जो हैं, जॉन रिजवी, मैं बिल्कुल आपके बारे में बताता हूँ। इसका मतलब है कि जॉन तो आपकी जो नाम हो गया, रिजवी आपकी कास्ट हो गई है। तो जॉन आपका जो अदद आ रहे हैं, जॉन आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा खूबी है। आप इन खूबियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो। आप बच्चों में बच्चे बन जाते हो। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप बहुत सोच समझ के काम करते हो। आप ये नहीं देखते कि ये क्या कह रहे हैं, आप ये देखते हो ये कह कहाँ से रहा है, इसका मकसद क्या है, ये चाहता मुझसे क्या है, आप उस बात पर बात करते हो। और जॉन आपके लिए जो है, जो स्टोन है बेस्ट, वो एमरल्ड है, जमुर्द है। आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है दुर्रे नजफ है, और उसके साथ सफ़ेद अकीक है और सुर्ख अकीक है। और बाकी बातें आप हमसे पूछ सकते हैं उसके ऊपर भी, फ़ोन पर, जो ऊपर फ़ोन नंबर आपके पास दिया हुआ है। मोहसिन इकबाल भाई हैं, मैं सब भाइयों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, हर भाई के बारे में। और खसूसी तौर पे गुलाम हसनैन, मैं सब भाइयों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अगर आप इसको डिटेल से जानना चाहते हैं अपने बारे में, और अपने खूबियों को जानना चाहते हैं, अपनी खामियों को जानना चाहते हैं, तो भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद तमाम भाइयों को। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर ब ज़रूर एक बार कॉल कर दीजिए। आपको SMS आ जाएगा, हम आपको आपके बारे में बताएंगे। आयमा मासूमीन के अकवाल की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ है। राना साहब, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है, खाल के अकबर का एहसान है, कायम आले मोहम्मद का सदका है, और आप जैसे भाइयों की दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, और मोहसिन इकबाल भाई आपका भी, और हसनैन हैदर। अच्छा, इसके ऊपर एक तो मैं साथ साथ बताता जाऊँ कि इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं वो आप कर दीजिए, क्योंकि जितने मोमिनीन तक ये बात पहुँचेगी मैं पहुँचा सकूँगा। क्योंकि 9 जेम्स एक हीलिंग, एक ऐसा अदारा है जिसने अपने जालोजिस्ट रखे, जमालोजिस्ट रखे, जिसने अपने जो हैं जेम स्टोन हीलिंग एक्सपर्ट रखे, और हम तमाम की तमाम जो आपको स्टोन्स हैं, जो जितने भी स्टोन्स हैं, वो देते हैं लाइफ टाइम गारंटी के साथ, विद सर्टिफिकेशन। हम आपको तमाम के तमाम स्टोन सर्टिफिकेशन के साथ देंगे, ताकि आप पर जो है बहुत ज़्यादा। अलमदार बल्ती भाई, बहुत शुक्रिया, आपके बारे में ज़रूर बताते हैं, और आप ज़रूर ब ज़रूर अपना पूरा नाम लिखकर भेजिएगा, ताकि आपके बारे में बता सकें। और यूनस भाई अलहदाद ख़ास खेली, आप ख़ास खेली जो है, अलहदाद भाई आपकी जो है वो कॉस्ट है या आपका नाम है, ये काइंडली मुझको आप बता दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। और अलहदाद अल्लाहदाद है या अलहदाद है, आप आई एम सो पजल्ड इसके बारे में, नाम के बारे में। आप काइंडली ऐसा कीजिए कि अपना नाम जो है, अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो टू इसी के साथ बता दीजिए कि खास खेली जो है आपकी कॉस्ट है या नहीं है, और अलहदाद के नाम से हम फिर आपका आपको बता देंगे। और यूनुस भाई, आप वेटिंग कर रहे हैं, और भी भाई बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रहे हैं। और यूनुस भाई, अगर आपका नाम सिर्फ यूनुस है, सिर्फ यूनुस है, और तो मैं आपको वो ज़रूर बता दूंगा कि अलमदार हुसैन कमा ओके। और अलहदाद जो है वो अलहदाद ही आप लिखते हैं या अल्लाहदाद लिखते हैं, यानी मिल गया है साथ या कैसे है, या बता दीजिएगा। अलमदार हुसैन,
इसके बाद मैं अली अब्बास प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया मैं आपकी तरफ से, और ये आपको जो है मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ तमाम मोमिनीन मोमिनात को कि वो ज़रूर बज़रूर इसको ज्वाइन करें, और इसके ऊपर जितना ज़्यादा आप अपना बढ़ा सकते हैं, इसको जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे। बहुत थोड़ा सा है लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको तमाम चीज़ें आयम मासूमीन की मुताबिकत से बताएँ, अपने पास से हम कोई बात ना करें, ठीक है। और अभी अलादाद भाई आप दाद 66 एंड 75। अच्छा अलादाद भाई, आपके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है रोबिन बेटा, आप भी जो हैं थोड़ा सा, मैं बच्चियों के लिए जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ है वो मैं रखता हूँ कि बच्चियों को मैं यहाँ पर थोड़ा कम बताता हूँ। आप पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप अपना एक SMS कर दीजिए, हम खुद आपसे रابطہ करेंगे, खुद ब खुद आपसे रابطہ करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमें वॉच कीजिए, हम आपको वॉच करेंगे, हम बताएंगे आप में खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, मैरिड हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, अनमैरिड हैं तो क्यों नहीं हैं, किस वजह से हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे। भाई आई नो स्टिल बहुत सारे लोग वेटिंग हैं, और हैदर अली भाई आपका नाम हैदर अली है तो आपके स्टोन हैं फिरोज़ा सुर्ख हकीक, और इसके साथ आप एमरल्ड पहने अगर आप स्लो एंड स्टडी ही चलना चाहते हैं जैसी आपकी नेचर है, और अगर आप चलना चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट होना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इसको सुर्खी माइल को जर्दी माइल हकीक में कन्वर्ट कर लीजिए और एमरल्ड की जगह आप नीलम पहन लीजिए, तो आपकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ जो हैं शार्प हो जाएंगी, तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और अच्छा मोमिन अली रज़ा भाई आपने लिखा कि बंदिश है, तो भाई बंदिश किस चीज़ की बंदिश है आपको? रिस्क की बंदिश है? किसने कहा आपको बंदिश है? किसने कहा आपको कि आपकी औलाद की बंदिश है, आपकी शादी की बंदिश है, आपके रिस्क की बंदिश है, किस चीज़ की बंदिश है आपकी, पहले तो ये बताइए। और किसने कहा कि ये बंदिश है, और बंदिश होती क्या चीज़ है? मौजू ज़रूर रखें, ज़रूर रखेंगे हम उसका कि बंदिश का, कि बंदिश होती क्या, ठीक है। अलादाद भाई आप मर्ज़ी अपनी करते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा और चीज़ों को अपने सर पर सवार कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप तवक्कल थोड़ा सा ज़्यादा किया कीजिए, चीज़ों को बेशक सोचिए लेकिन उसके साथ ये कह दिया करें कि मेरे मौला मैंने ये फ़ैसला किया है, अगर इसमें खूबियाँ हैं तो इसको जल्द अज जल्द पूरा कर दें, और अगर इसमें कोई खामियां हैं तो मेरे मौला उसको दूर कर दे, ठीक है। और मैं आपको जो है आपके लिए स्टोन जो है दुर्र नजफ़ है, और दुर्र नजफ़ के साथ फिरोज़ा आपके लिए बेहतरीन है, और फिरोज़े के साथ अगर आप कोई और भी यूटिलाइज़ करना चाहें तो ब्लड स्टोन एक है वो आपको बहुत अच्छा है, वो आप पहन सकते हैं। समर नकवी सैयद मोहम्मद समर मेहदी भाई जी बिल्कुल आपका है, आप अभी आप ही का नंबर है, और 92 and 59 and 740 790 790। अच्छा मोहम्मद समर मेहदी भाई मैं आपके बारे में बता दूं कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप हर चीज़ के ऊपर ग्रिप पूरी रख लेते हो और कहते हो जो मैंने फ़ैसला किया वो बिल्कुल ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप चीज़ों को अपने अंडर रखने की कोशिश करते हो, इसलिए आपके साथ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपना रेजिस्टेंस जो है आपकी आपकी रेजिस्टेंस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो कुछ आपने सोच रखा होता है जब वो पूरा नहीं होता तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आप इस डिप्रेशन से बचना चाहते हो तो तवक्कल ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो एमरल्ड है और सुर्खी माइल हकीक है, ये बेहतरीन स्टोन है आपके लिए। बाकी आप व्हाट्सएप पर एक कॉल, तमाम भाई जितने आ रहे हैं व्हाट्सएप पर एक बार SMS ज़रूर कर दीजिए ताकि हम आपसे बाद में डिटेल से बात कर सकें। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद आमिर भाई आपके लिए भी, और अली नसीर भाई आपके लिए भी, मोहम्मद नासिरुद्दीन
नासिरुद्दीन। रुबीना बेटा आपके लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी आप व्हाट्सएप पर ज़रूर कर दीजिएगा। रुबीना बेटा मैं आपके बारे में ज़रूर बताऊँगा, और जो नाम इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं भाई आप माइंड ना कीजिएगा, हम हर एक से ख़ुद रابطہ करके हम ख़ुद उसको उसकी खूबियों के बारे में, उसकी खामियों के बारे में बताएंगे, और उसको कामयाब होने का बताएंगे कि वो कैसे कामयाब हो सकता है इंशाल्लाह ताला। मेरे मौला के करम से, मेरे आका के करम से, आई एम मासूमीन के तुफैल से, क्योंकि मेरा काम ऐसे एक माहिर होते हुए आपको कुछ चीज़ों को तजवीज़ करना, आपको मेडिसिन देना है, एज ए स्टोन देनी। इसके बाद क्या होता है हम छोड़ देते हैं अपने मौला के ऊपर, और हम कहते हैं कि मेरे मौला आप कीजिए। अब आप, हमारा काम था दवा देना, वो हमने दे दी, और इसके बाद जो है वो आप कीजिए, आप ही बेहतरीन जो है उस चीज़ को वो कर सकते हैं। रुबीना बेटा आपके लिए है कि 206 206 206 208 208 223। रुबीना बेटा आप, अब मुझे नहीं पता मैरिड हो आप अनमैरिड हो। रुबीना बेटा क्योंकि बहुत सारी बातें पूछनी होती हैं, अनमैरिड हो मैरिड हो और आपकी एज कितनी है, आपका क्या है, लेकिन आपके बारे में जो छोटी सी चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो, बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम ये रहती है कि आप गुस्से में गलत फ़ैसले करते हो। आपके अंदर खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जज्बातीपन की वजह से आप अपनी बहुत सारी खूबियों को ज़ाया कर देते हो। तो बेटा आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है ओपल है, और ऑस्ट्रेलियन ओपल है, एथोपियन ओपल मत पहनिएगा आप। एथोपियन ओपल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और बहुत जल्दी वो पत्थर जो है वो ज़ाया हो जाता है। इस वक्त बाज़ार में बेशुमार नकली स्टोन्स हैं, तो नकली स्टोन्स को आप जो हैं पहनेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ईरान, इराक, शाम, मक्का, मदीना से जितने भी स्टोन्स हैं, अगर वो जितने भी स्टोन आ रहे हैं उसमें से 99% स्टोन वहाँ से नकली आ रहे हैं, और हम ये सोचकर कि हम एक पाक जगह पर, मुतबरिक जगह पर यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी असल स्टोन मिलना बहुत नामुमकिनात में से है। बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी असलियत क्या होती है। हम आपको इसके ऊपर वीडियोस भी देंगे, अपने कॉलम्स भी देंगे जो बहुत ज़्यादा अखबारात में आ चुके हैं। हम आपको इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी देंगे कि कैसे आप स्टोन को परख सकते हैं कि कौन सा स्टोन असली है, कौन सा स्टोन नकली है। और आसिम हुसैन भाई, हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ अपना नाम बताइए और जगह बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है कि कहाँ के रहने वाले हैं आप, उसके ज़रिए हम ज़्यादा आपको सूटेबल फ़ैसला कर सके दे सकते हैं। रुबीना बेटा ओपल पहनिए आप, जर्द कीक पहने, नीलम पहने, ये आपके बेहतरीन स्टोन्स हैं, बहुत अच्छे। बाकी आप SMS ज़रूर कर दीजिए ताकि हम आपको जो है आपके बारे में सही गाइड कर सकें, हम आपके बारे में सही चीज़ें बता सकें। और उनके साथ जो सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइफ टाइम गारंटी के साथ तमाम स्टोन्स, जितने भी स्टोन्स हैं और वो लाइफ टाइम गारंटी के साथ हैं, ठीक है। मोमिन अली रज़ा भाई आप SMS कर दीजिए, क्योंकि आपसे डिटेल से बात होगी और हम आपको ज़रूर ब ज़रूर सब कुछ बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी में हर कुछ बताना होता है, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं और हर चीज़ आपको लाइफ टाइम गारंटी के साथ हमारे हमसे मिल जाएगी, और हम अपनी दी हुई चीज़ के ज़ामिन हैं कि उसको दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट करवा लिया जाए, और लैब में टेस्ट करवा कर अगर लैब रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आ जाती है तो जनाब उस लैब का जितना खर्चा है वो भी हम पे करेंगे, और उस लैब के अलावा जितना भी आपकी जो रकम है वो भी हम आपको वापस करेंगे जुर्माने के तौर पर। रुबीना बेटा आप बाद में रابطہ कर लीजिएगा हमसे, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हैं मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शहबाज भाई, आमिर भाई आप फिरोज़ा पहनते हैं तो फिरोज़े के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फिरोज़ा अब ये देखना होता है कि इसमें कॉपर की मिकदार ज़्यादा है, इसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा है, या इसमें जो है फास्फेट ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, तो उसके ज़रिए से हम देखते हैं कि आपकी बॉडी नेचर क्या, क्या आप इतनी चीज़ बर्दाश्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है हम आपको जो है वो ज़रूर बता देंगे कि अगर आप उनकी पिक्स सेंड करें, हमें बताएं कि आपके पास कौन से स्टोन्स हैं, किस किस्म के हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि फिरोज़ा आप किस किस्म का पहने। वैसे जो नकली फिरोज़ा है इसको चेक करने का वेरी इजीली तरीका है कि इसको रेती पर या खुदरी जगह पर तेज़ी से रब करें, और रब करने के बाद फ़ौरन सूंघें।
अगर सूंघें और उसमें से स्मेल आ जाए, जली हुई स्मेल आए, रबड़ की या ऐसे जैसे केमिकल की स्मेल होती है वो आ जाए, तो ये फिरोज़ा नकली है, ये फिरोज़ा नकली है। इसको आप जिसने भी दिया जो मर्ज़ी कसम खाता रहे, आप लेबॉरेटरी चेक करवा सकते हैं, वो असल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसके बाद मोहम्मद शहबाज भाई हैं, ठीक है, और आमिर भाई अगर आप फिरोज़ा पहनते हैं तो उसके साथ अकीक ज़रूर पहनिए, क्योंकि अकेला फिरोज़ा अगर ओरिजिनल हो तो वो आपको जो है हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाता है, आपका बीपी उससे जो है वो शूट करेगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसकी वजह आपकी ये प्रॉब्लम बनेगी। आप अगर चाहते हो कि आपको फिरोज़ा सूट करे तो आप उसके साथ अकीक ज़रूर पहनो, लेकिन ये देख कर कि आपके नाम के साथ कौन से कलर का अकीक जो है वो सूट करता है, क्योंकि नाम भी जो होता है वो भी आप पर असरअंदाज होता है, उसके साथ कलर्स भी आप पर असरअंदाज होते हैं, तो कलर कौन सा आपको पहनना चाहिए और किस किस्म का पहनना चाहिए आपको हम बताएंगे कि आप किस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। भाई इसके बाद मोहम्मद शहबाज भाई, काफ़ी देर से तीन बार मैंने आपका नाम लिया, आपको मोहम्मद शहबाज 300 मोहम्मद शहबाज भाई जी, मोहम्मद शहबाज भाई आपके अंदर जो बहुत सारी खूबियां हैं उन खूबियों को जो है आप बढ़ाना चाहते हैं, आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जिसके से आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, और वो चीज़ है आपके अंदर नेगेटिविटी जो है उसको ख़त्म कीजिए। आप नेगेटिविटी ऐसे के हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर एक के साथ, हर एक के बारे में सोचिए कि इसके साथ जो है प्रॉब्लम क्या है, और आप अगर किसी से खफा हो गए तो काइंडली आप उसकी जो है उस डीप में ना जाइए, ना ही उस चीज़ को अब उसके अगेंस्ट लेकर रखिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं तो फिर आप उसको जो है वो बहुत ज़्यादा आखिर तक आप जो है उसको लिए चलते चले जाते हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाइए। आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो जमुर्द है, उसके साथ सुर्ख हकीक है। बहुत शुक्रिया शमैला अली आपका कि आपने हमारी तस्दीक की, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता बेटा आप कहाँ से हैं, और शमैला बेटा बहुत थैंक्स आपका। मैं यही चाहूँगा कि अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो आप दूसरों तक पहुँचा दीजिए, अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी गलती की तस्दीक कर सकूँ, क्योंकि बेसिकली मैं भी इंसान हूँ, कहीं पर मुझसे गलती जानबूझ के कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। ला इल्मी में गलती हो सकती है, ला इल्मी में अगर गलती हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, इसीलिए हमने लाइफ टाइम गारंटी रखी है कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप हम आकर हमसे क्लेम कर सकते हैं, और हम उस क्लेम के अदा करने के हकदार हैं, ताकि आपको जो चीज़, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि अगर आपने हमसे नीलम मांगा और वो नीलम हमने आपको नहीं दिया और आपने पैसे हमें असल दिए थे, तो याद रखिए आपके वो पैसे हम पर हराम हैं। तो वो मेरा मालिक जिसने कसम खाई है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो मेरे रिस्क का ज़ामिन है, मेरी औलाद के रिस्क का ज़ामिन है, तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं किसी को कोई गलत चीज़ दूँ? मुझे इतना यकीन है कि मेरा राज़िक मेरा रब्बे बारी ताला है, बतुफेले आई एम मासूमीन, वो हमें ये अजर देता है। और फिर मेरा मालिक ख़ुद कहता है कि तुम अपनी दुकान खोल लो और सामान सजा लो, तो जो तुम्हारे इख्तियार में था तुमने कर दिया, अब इंतज़ार करो कि मैं अपने इख्तियार से तुम्हारे लिए रिस्क भेजूं, क्योंकि हम सामान सजा सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, रिस्क नहीं कभी भी अपने घर के अंदर ला सकते, रिस्क भेजने वाली ज़ात वो रब करीम की है। बहुत शुक्रिया जी शमैला, बहुत शुक्रिया आपका। अली अब्बास प्रोडक्शन भाई आपका भी शुक्रिया। वसीम शाह जी, हमारा ऑफिस जो है हम ऑनलाइन पर ज़्यादा हैं, वैसे हमारा ऑफिस आपारा मार्केट इस्लामाबाद में है, और तकरीबन 22-23 साल से हम यहीं पर ही हैं। और जो बल्ती भाई, आपने
जो है फिरोज़ा पहन रखा है और वह लद्दाखी है, तो लद्दाखी में एक याद रखिएगा, आजकल वहाँ पर चाइना के नकली भी आ रहे हैं, आपके बल्तिस्तान में जो कदीम लड़ियाँ होती थी वो लद्दाख की होती थी, आपके बुज़ुर्गों माइयों के पास अभी भी वो फिरोज़े मौजूद होंगे, उनमें सुराख होता है। उसके अंदर जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उसका कलर यकदम वेरिएट करता है, यानी अभी सबज था अभी हल्के सबज में चला जाता है और एक लाइन सी बनती है, फिरोज़े में क्रैक नहीं पड़ता लेकिन कलर यकदम जो है वो जुदा हो जाता है। ये लद्दाखी फिरोज़े की पहचान है और लद्दाखी फिरोज़ा फिरोज़ों में बहुत आला किस्म का फिरोज़ा है और आप इसको ज़रूर पहनिए, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा करता है, आपके असाब को मजबूत करता है, आपके न्यूरॉन सिस्टम को मजबूत करता है, फिरोज़े की ये खासियत है। मौलाए मुत्तकियान ये फरमाते हैं कि फिरोज़ा पहनो फतह के लिए, नुसरत के लिए, कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, बे औलादी से बचने के लिए। अगर आप बल्कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम या इमाम नकी अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी है कि एक शख्स उनके पास गया और उसने ये जाकर कहा कि मौला मैंने महमूद इब्ने अहमद की बेटी से शादी की, मेरी उससे बहुत मोहब्बत है लेकिन मुझे उससे औलाद नहीं हुई, तो मौला मैं क्या करूँ। मौला मुस्कुराए और फरमाया कि अंगूठी फिरोज़े की ले लो, उसके ऊपर रब्बे ला तुज़रनी फ़र्दन तो खैरुल वारिसीन की आयत खुदवा लो और पहन लो। उस शख्स ने ऐसे ही किया और कुछ ही अरसे के बाद उसके घर में बेटा हो गया और ख़ुदा की कसम जिनको भी ओरिजिनल फिरोज़ा मैंने दिया है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी चेंजिंग्स भी यहीं से हुई, वो शख्स जो था 14 साल के बाद मौला की ये हदीस मैंने उसको दी तो उसने ये पहन ली और चला गया। इस दौरान मैंने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की नहजुल बलागा में एक हदीस पढ़ ली कि जिसके अंदर मौला ने नजूमियों की सख्ती से मना किया है, बहुत ज़्यादा सख्ती से मना किया नजूमियों के बारे में। मौला फरमाते हैं कोई शख्स नजूमी के पास जाए या उसके बात पर यकीन करें, उसके लिए लाजिम है कि वह रब बारी ताला की इबादत छोड़ दे और अपनी इबादत के लिए कोई और रब तलाश करे, क्योंकि नजूमी मिसले काहिन है, काहिन मिसले साहिर है, साहिर मिसले काफिर है और काफिर का ठिकाना जहन्नम है। मैंने ये हदीस पढ़ी मौला की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कारोबार बंद कर दिया और मैं मौला से रोता रहता, मेरे मौला क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही चीज़ है कि आपका बुर्ज क्या, आपका सितारा क्या, आपका स्टोन कौन सा है। तो मैंने कहा कि मौला अगर ये सब गलत है, ये कुफर है, शिर्क है, तो मुझे वो रास्ता बता दीजिए जिसके ज़रिए मैं लोगों के लिए स्टोन तजवीज़ कर सकूँ। मेरे बेशुमार टीवी प्रोग्राम्स हैं, आप 9 जेम्स हीलिंग पर आकर, इसके अलावा यूट्यूब पर आप 9 जेम्स हीलिंग या सैयद खुर्रम अब्बास नकवी लिखकर यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको आप वॉच कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अरसे 10 साल से मैं लगातार टीवी पर हूं और मैं हर जगह पर नजूम की नफ़ी करता हूं। बंदे खुदा कोई बुर्ज नहीं होते, कोई सितारे नहीं होते, ये तमाम के तमाम रबिश चीज़ें हैं, ये स्टोन एज अ मेडिसन हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आप पर नेमत हैं जो आपकी खूबियों को बढ़ा सकते हैं, आपकी खामियों को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ दैट नेचर कैन नॉट बी चेंज बट आई बिलीव एंड प्रूव दैट नेचर कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ नेचर। दीज नेचर क्रिएटेड जेम स्टोन्स हैव अ एबिलिटी टू रिड्यूस अवर नेगेटिव्स एंड हाइड आउट ऑफ पॉजिटिव, सो चूज योर जेम स्टोन एंड चेंज योर लाइफ। माई कज़न शुजात अली जाफरी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा और कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर जी, आपके लिए आप अपने एक तो कज़न का फुल नाम अभी भेजिए शुजात अली भाई, एक और काम कीजिए जो मैं स्टोन दूंगा वो तो उनको पहना नहीं, एक तो उनकी एज ज़रूर मुझे बताइए और उनका ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह ताला कंट्रोल्ड हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला चैलेंज के साथ बात करता हूँ, इंशाल्लाह ताला कंट्रोल्ड हो जाएगा, मेरे मौला के करम से, मेरी मौला की दुआ से वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। एक तो आप कम अज़ कम घर के अंदर जो है वो कोई 2.5 फुट बाई 6 फुट की जो है एक संगे मरमर की सिल ले आइए, जो बिल्कुल वाइट संगे मरमर होता है, इंतहाई यख ठंडा, जो गर्मी के अंदर भी रखा जाए धूप में भी तो वो ठंडा होता है, उसकी ये एक सिल लेकर आप आ जाइए अपने घर में रख दीजिए जब भी भाई का ये प्रॉब्लम हो, और एक 2 बाई 2 फुट की सिल ले आइए संगे मरमर की बिल्कुल वाइट की, उसको आप रख दें उनके नीचे अपने जो हैं जो उनका ऑफिस है या जहाँ वो बैठते हैं, वहाँ नंगे पांव रखकर अपने उस पर बैठे रहा करें।
तो इंशाल्लाह ताला इससे भी, और आप उनका पूरा नाम बता दीजिए। मोहम्मद रजा दानिश भाई, हमेशा मौला से गलतियों का कफारा मांगा करें, मौला से रहम की भीख मांगा करें। उनकी दादी ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर, आप गलती पर नहीं भी हैं तो बेशुमार जगहों पर आप गलती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे इसकी वजह से सज़ा मिल रही है, हो सकता है आपकी किसी और वजह से आप पर सज़ा मिल रही हो आपको। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, चोट है, देखिए मौला खुद फरमाते हैं कि ये नागहानी आफात जो होती हैं, ये जो तुम पर आती हैं, या कोई चोट या एकदम लग जाती है, या कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो बेसिकली जो है वो तुम्हारे गुनाहों का कफारा होती है। इसमें तुम जितनी अजियत में होते हो, जितनी अजियत में तुम अपने मौला को याद करते हो, अपने रब को याद करते हो, नेकी की तरफ पलटते हो, तो वो फिर हाँ। वाजिद हुसैन भाई, ये चीज़ें जो हैं इस तरह नहीं है। कॉपर जो है, एक तो खालिस कॉपर नहीं मिलता, और बेसिकली जो दूसरी चीज़ है ये मैग्नेटिक जो है, ये ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल्ड करने के लिए इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ है। बहुत सारी जगहों पर हमने इसको देखा और हम यूज़ कर चुके हैं। इसकी जगह ब्लड स्टोन भी है, ओपल भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें सबसे पहले देखना होता है कि ये शख्स की अपनी खासियत क्या, अपनी खासियत क्या है इस शख्स के अंदर। क्या ये गर्म मिजाज है, सर्द मिजाज है, क्या इस पर कॉपर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। हर दवा हर शख्स के लिए नहीं होती वाजिद हुसैन भाई, बिल्कुल के कॉपर के अंदर खासियत मौजूद है कि वो न्यूरॉन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। लेकिन कॉपर की ये खासियत, अगर आपका न्यूरॉन सिस्टम पहले ही स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हिंदू मित से भी पहुँची हैं, ज़ाती रिसर्च से बहुत कम जो है इन चीज़ों के बारे में किया गया है। लावा स्टोन भी बहुत ज़्यादा मशहूर रहा, बेसिकली लावा स्टोन एक कमाई का ज़रिया था। लावा स्टोन के साथ इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत कम हैं, नेचुरल स्टोन नहीं है, क्योंकि लावा स्टोन एक पिघले हुए पत्थरों का मादा है, वो चीज़ नहीं है। मैं आपको अब्दुल जब्बार, अच्छा भाई मैं आपको एक और बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, तो ऊपर एक नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप एक बार ज़रूर मैसेज भेज दें। उस मैसेज से हमें ये होगा कि हम उसको जो है हम आपसे खुद रابطہ करेंगे, और रابطہ करके आपके बारे में हम बता देंगे। बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। किसका? हसन रज़ा भाई, अब्दुल जब्बार भाई आपके बारे में बताता हूँ, और वाजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक्सेप्ट करना जो होता है इस चीज़ की दलील होता है कि उस शख्स का जहन बहुत वसी है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो इन चीज़ों को जो शख्स में एक्सेप्टेंस की सलाहियत ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा इल्म हासिल करता है। और ये चीज़ें हैं कि बहुत शुक्रिया वाजिद हुसैन भाई आपका, और मुस्तफ़ा हसन भाई आपका भी। मैं मुस्तफ़ा हसन रज़ा भाई आपके बारे में स्पेशली तौर पर कहा गया, और मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहूँगा, हसन रज़ा भाई एक तो आप मर्ज़ी अपनी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है आपकी जो प्रॉब्लम है सबकी, एक तो आप गौर बड़ा करते हैं और फिर चीज़ों पे डिस्कस करते रहते हैं, और जब तक उसकी एंड पर नहीं पहुंच जाते, आपके अंदर ये चीज़ है कि आप मंसूबे बनाते हैं, लॉन्ग मंसूबे बनाते हैं, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बीच में से मिस करते चले जाते हैं। नो डाउट कि आपका दिल बहुत अच्छा है और आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, आप चीज़ों को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा होती जाएगी तो उसमें ये प्रॉब्लम होती जाएगी कि आप थोड़े से खुदपरस्त होते चले जाओगे। आप उस चीज़ से बचना चाहते हो, तो एक तो अपने हाथ के अंदर जो है बांटना रखें, फ़कीरों को बांटना ना रखें, फ़कीरों को बांटना एक नॉर्मल चीज़ होती है, अपने बहनों भाइयों में बांटना रखें, अपने बहनों भाइयों को बांटें,
वो प्रॉब्लम में है उनकी प्रॉब्लम्स शेयर करें, ये बांटना होता है। क्योंकि सबसे बेहतरीन सदका जारिया ये है कि आप अपने बहनों भाइयों की मदद करें, अपने वालदैन की खिदमत करें, अपने वालदैन की चाहत करें। और आपके बहन भाई बीवी बच्चे अगर आपसे नाराज़ हैं और आप दूसरों को राज़ी कर रहे हैं तो खुदा की कसम वो कोई राज़ीनामा नहीं है, ठीक है। आपका बेहतरीन स्टोन जो है जो है वो दुर्रे नजफ है, इसके अलावा वो एक्वामरीन है, और इसके अलावा जमुर्द है। ये आपके बेहतरीन आपने जो है अलीज़ा शाहजैदी जी, अलीज़ा बेटा आप मुझे दोबारा, क्योंकि आई एम सॉरी मैं नीचे मुंह करके लिख रहा होता हूँ या और वो तेज़ी से चले जाते हैं तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। मुसवा हसन भाई, अलीज़ा बेटा आप दोबारा लिख दीजिए मुझे अपना पूरा नाम, तो फिर मैं आपके बारे में बता देता हूँ। अलीज़ा शाह जी का नाम लिखा है आपने, क्या है इनका पूरा नाम? अलीज़ा शाह, एक तो आप अपना पूरा नाम बताइए, बाई बर्थ नेम बताइए, जो बचपन से आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया। अगर मैरिड हैं तो मैरिड के बाद वाला मुझे नहीं चाहिए, अनमैरिड हैं तो तब, और आप में आपकी जो तकरीबन एज इस वक्त कितनी हो रही है वो बता दें, तो बहुत सारी चीज़ जो हैं वो आपसे डिस्कस कर ली जाएंगी, कोई मसला नहीं है। अब्दुल जब्बार भाई, इसके ऊपर मैं आपको जो है ठीक अब्दुल जब्बार और अब्दुल जब्बार भाई, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं थोड़े से, आप जज्बाती हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा जब भी आता है, कभी कभार आता है, जब भी आता है फौरन आता है, पीक पे जाता है। आसिर अली भाई, दुर्रे नजफ जो है दुनिया का हर शख्स पहन सकता है, हर शख्स पहन सकता है। मौलाना ने कहा है ये हमारी तरफ से मोमिनीन के लिए तोहफा, ठीक है। और ज़मुर्द अगर आप दुर्रे नजफ के साथ पहनेंगे तो फिर ज़मुर्द भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अकेला ज़मुर्द थोड़ा सा डल कर देता है, ठीक है बेटा। और इसकी जो चीज़ है जो अलीज़े हैं, अलीज़े बेटा आप प्लीज़ अपना पूरा नाम जो है बाई बर्थ नेम जो है वो मुझे लिख कर भेजिए, और एक SMS ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है 03030221012, इस पे SMS ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम वक्तन फ़ौक्तन हम आपसे बात करके हम आपके बारे में बता सकें कि हम आपसे डीपली बात करेंगे, आपकी तमाम खूबियों और खामियों को परखेंगे, फिर आपको कहेंगे कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर माइंड सेट शोर होते हैं, पढ़ना उसको और पढ़ जाता है, उसने सीखा कुछ और होता है और अमली तौर पर करना कुछ और पड़ जाता है। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी खूबियों को खामियों में तब्दील कैसे कर सकते हैं, आप अपने दिल को मजबूत कैसे कर सकते हैं, आप अपनी नाकामियों पे कैसे काबू पा सकते हैं और उन नाकामियों को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ प्लीज़, ये कौन है भाई अल्लाह हाफिज़ वाले, कामरान अली जी, कामरान भाई, हैदर हसन काजमी, और मैं आपसे भाई इतना ही कहूँगा ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाम आते हैं, हर एक के बारे में बताना होता है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कैसे मैं ज़रूर कर दीजिए, हम आपसे खुद रابطہ कर लेंगे। अब्दुल जब्बार भाई अभी तो यहाँ नहीं आ रहा, आप अबू के बारे में पूछ रहे हैं, मुजीबुर रहमान भाई, सैयद हसीबुल हसन भाई, बुखारी भाई, मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ ये कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर उस नंबर पर जो ऊपर दिया गया उस पर SMS कर दें, हम आपसे खुद रابطہ कर लेंगे। और हसीब हसन भाई, आप आज 8:60 आप ये देखते रहिएगा। नादिया खान बेटा आप अपना पूरा नाम बताओ, जो बाई बर्थ आपका वो लिखा गया था इसके अंदर जो है, शुमाइल अली माहीन नास, माहीन नास, हसीब हसन 8:60 हसीब हसन भाई, आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो जर्द अकीक है, और उसके साथ आप पुखराज पहनी आपके लिए बहुत बेहतर है। और आपकी जो चीज़ है आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं,
और मैं आपको एक बात बता दूं, कर्ज़ा ना किसी को दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं क्योंकि आप में इंतकामी तबीयत नहीं है। तो अक्सर लोग फिर आपको फ्रॉड करके चले जाते हैं, और फ्रॉड करने के बाद क्योंकि आपको पता होता है कि यार इसने हमारा क्या कर लेना, कुछ भी नहीं करेगा, छोड़ो परे। तो लेकिन आप शार्प माइंड बहुत हैं, तेज़ बहुत हैं, फैसले बहुत जल्दी करते हैं, दूसरों के लिए हमेशा बेनिफिशियरी होते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम्स आप क्रिएट किए रखते हैं। आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, आप बेटा ये ज़रूर कर दीजिएगा, और इसको कर लीजिएगा माहीन नाज 40 44 और 5 46 56 106 106 और 114 114 114। महीन नाज बेटा, आपकी एज मुझे नहीं पता। नादिया किरामत, महीन नाज बेटा, आपके लिए जो बेहतरीन स्टोन है वो हुसैनी फिरोज़ा है, सब्ज़ रंग वाला ओरिजिनल फिरोज़ा पहनी, क्योंकि आपका बेटा कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ है आपका, कुव्वत फैसला बहुत लूज़ है आपकी। आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि फैसला करते हुए, इसलिए अगर आप फैसला कर भी लें और किसी को बता दें, क्योंकि आप मशवरे बहुत लेती हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है कि अगला बंदा आप पर हैवी होकर आपका फ़ैसला तब्दील भी कर सकता है और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला भी आपसे करवा सकता है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि नीलम, फिरोज़ा और सुर्ख की इन तीनों का कम्बिनेशन आप पहनिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। शुजात अली जाफरी भाई, ऊपर जो पोस्ट चल रही है, पोस्ट के सबसे ऊपर जो है वो नंबर ही लिखा हुआ है, और ये आपकी पोस्ट के नीचे भी जो नंबर आ रहा है ये यही नंबर है अलीबास प्रोडक्शन का, 03032210012, और ये यही नंबर है, इस पर आप SMS एक कर दीजिए, अलीबास प्रोडक्शन की तरफ से ये नंबर है, आप इस पर SMS कर दीजिए, हम खुद आपसे रابطہ करेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर ब ज़रूर आपसे रابطہ करेंगे। और भाई मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, आप अपनी खामियों की तरफ मत जाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शुरू में कुछ नहीं थे। आपको एक बात बताऊं, राशिद मेनास साहब के बारे में मशहूर है कि जब ये फर्स्ट टाइम गए थे तो ये अपने ऑब्स्टिकल्स ही पूरे नहीं कर पाए थे, और सेकंड टाइम जब गए थे तो उन्होंने 2 दफ़ा किए थे। और मैं आपसे हसीब हसन भाई, ज़रूर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जर्द अकीक के साथ नीलम और इन चीज़ों को आप पहनिए, आपके लिए बेहतरीन है। आप ज़रूर SMS इस ऊपर वाले नंबर पर कर दीजिए, हम आपसे ज़रूर करेंगे। आसिर भाई, ऐसे मैं यहाँ पर इतना लंबा तो मैं नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, क्या किया आपने, एजुकेशन लेवल क्या है, कौन सी चीज़ है और आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया, ठीक है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी फील्ड को चेंज कीजिए, आप हमसे रابطہ कीजिए, हम आपके बारे में बहुत ज़्यादा बताएंगे, हम आपको आपसे बेहतर जानते हैं। नादिया खान, नादिया किरामत, 85 55 55। और 4 65 65 64 55 65 65 70 70 और 20। करामत, नादिया करामत आपका नाम है, 90 290 290 290 291 331 733। नादिया बेटा, आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप बेटा बहुत खुदपरस्त हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी करते हो, ठीक है, आपके हस्बैंड का नाम बेटा मुझे नहीं मालूम, आप ज़रूर ब ज़रूर रابطہ करना, क्योंकि मैं सिर्फ आपके बारे में बताता जाऊँ, मैं आपको बता दूंगा कि आपके हस्बैंड में क्या खूबियाँ खामियाँ हैं, और आप ज़िंदगी को कैसे आसान तरीन बना सकते हैं, कैसे आप जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वैसे आपका स्टोन जो है ज़मर्द है, और बेटा मैं आपको एक बात, आप सब भाइयों को जो मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूँ कि हमें अभी भी इत्तलात मिल रही हैं
अभी कल भी एक भाई साहब ने मेरा नाम लेकर किसी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं उनको कहा कि मैं उनके तरफ से बात करूं और आप हमें कुछ पेमेंट दे दें जब तक आप लोगों की मुझसे बात ना हो जाए, सैयद खुर्रम अब्बास नकवी से बात ना हो जाए, जो भी शख्स ये दे और इस नंबर पर जो ऊपर दिया गया है इससे जब तक आपको कॉल ना आ जाए और यही आदमी जो है जो इस नंबर पर हो वो आपकी मुझसे बात ना करवा दे, बेटा किसी शख्स ने किसी को कोई पैसे नहीं देने, कोई चीज़ नहीं देनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, मेरे नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और मैं क्या कहूँ उन लोगों को कि जो मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं और चीज़ें ये कर रहे हैं। बहरहाल मौला उनको हदायत दें, मैं तो उनसे तलबगार हूँ कि मौला उनको बहुत ज़्यादा हदायत दें। हम कोई नजूमी शजूमी नहीं है बेटा, मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने खुद जो है इस इल्म को पढ़ा है, मेरे मौला की ख़ास मुझ पर अता है, मैं अपने मौला का बेपनाह शुक्र गुज़ार हूँ। मैं आप बहनों भाइयों की फ़्री ऑफ कॉस्ट मदद करता हूँ कि आप में खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, आपसे बस सिर्फ ये इल्तिजा होती है आप हमसे अपने बारे में सब कुछ पूछ लीजिए, लेकिन हम आपसे किसी किस्म की कोई फ़ीस तलब नहीं करते। आपकी आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो इस वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपके बारे में बताएंगे इल्मे जफर के ज़रिए। और हमारे स्टोन्स ज़िंदगी भर की गारंटी के साथ असल स्टोन्स होते हैं, और मैं आपको बता दूँ कि शादियों के नाकाम होने की वजह कोई जादू टोना नहीं होता, ठीक है, कोई तावीज़ धागे नहीं होते। शादियों में नाकाम होने की जो बेसिक वजूहत होती हैं वो जो आप चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। मसलन एक बंदा है वो शादी करता है तो शादी करने के लिए वो उसकी ख्वाहिशात क्या होती हैं। अच्छा सबसे पहले वालदैन ले लेते हैं, वाले साहब की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिख गया है तो मेरे लिए कोई अच्छी जो है वो बहू आए, मेरी को भांजी भतीजी आ जाए। और आपकी वालदा की ख्वाहिश होती है कि मेरी को भांजी भतीजी आ जाए। लड़के की ख्वाहिश ये होती है कि मुझे कोई बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की मिल जाए, पढ़ी लिखी हो तो क्या बात है, और उसके बारे में हो जो अब नादिया करामत आप के हस्बैंड का जो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझसे पूछेंगे तो बता दूंगा, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी करते हो बेटा। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे ये कहूँगा कि ओबेइंग करके जब आप मुझे कॉल करोगे या हम आपको आप बाद में कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम आपको बता सकेंगे कि इस वक्त कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है और कौन सी नहीं। बेटा यहाँ पर जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप स्टोन पूछना चाहती हैं तो आपके नाम के हिसाब से ज़मुर्द है, सुर्ख हकीक है, एक्वामरीन है, ठीक है, और फ्रोज़ा है। लेकिन आप हमसे जब कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें आपको फास्ट करना है, आपको लो करना है, आप जॉब पर हैं या आप घरेलू हैं, तो इस बुनियाद पर हम सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। वैसे नहीं और नादिया करामत आपको आपके बारे में मालूम हो गया। मोहम्मद सुमार खास के लिए सुमार भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं अलहदा में जब तक आपसे, क्योंकि इस वक्त ज़बानी जो है ना यहाँ से पढ़ना मुश्किल, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे खून फून पर बात करूँगा, ठीक है। आप जो ऊपर नंबर दिया गया उस पर एक SMS भेज दीजिए अपनी तरफ से कि मैं सुमार खेली बात कर रहा हूँ, आपको रिप्लाई SMS आ जाएगा और हम जैसे ही आपका टर्न और आपका नंबर आएगा हम आपसे बात भी करेंगे और आपको आपके बारे में सब कुछ बता भी देंगे। मोहम्मद जमीलुद्दीन भाई, भाई नाम इस वक्त इतने ज़्यादा हैं, नज़र हुसैन, मोहसिन इकबाल, ग़ुलाम हुसैन, यूनस, अलमदार हसन, मोहम्मद नासरुद्दीन, आप भाई सब व्हाट्सएप पर काइंडली एक बार आ जाइए, ऊपर जो नंबर व्हाट्सएप का दिया हुआ है उसको प्लीज़ एक बार आप वॉच कर लीजिए तो हम आपको बताएंगे। याद रखिए, याद रखिए, जो आप तावीज़ धागे करते हैं या लेते हैं या लाते हैं इनका असर उस वक्त तक बिल्कुल नहीं होता जब तक आपका इन पर यकीन नहीं हो जाता, क्योंकि पीर कामिल या यकीन कामिल, आप के घर से तावीज़ निकला या परेशान होकर किसी और के पास जाएंगे ये तावीज़ वो आपको और मखमसे में डाल देगा कि इस तावीज़ में तो आपकी फ़लाँ लिखी है, इसमें तो फ़लाँ किसने किया है, और फिर वो नामों के पहले हरूफ भी बता देगा, जिसके बाद जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी, आपके घरों में हो सकता है झगड़े और फसाद पड़ जाए और हो सकता है कि तलाक तक नौबत आ जाए। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पर परहेज़, अगर आपको जादू टोने या किसी चीज़ का मसला हो तो जादू पर मेरी इतनी वसी स्टडी है कि मैं पूरी दुनिया के जादूगरों को चैलेंज दिए बैठा हूँ कि आएँ वो लाइफ टाइम मेरे साथ वो बात करें, लाइव TV पर बात करें, चैलेंज है उनको, सारे जादूगर मिलके मेरे साथ मुकाबले पर आ जाएं, वो मुझे
सिर्फ जादू के जोर पर मेरा एक बाल तोड़कर बता दें, एक बाल तोड़कर बता दें, वो जो कहेंगे मैं मानूंगा, ठीक है। और बिलाल दोहा बिलाल, आप लिख रहे हैं भाई कि शिया इज़ नॉट मुस्लिम। जी बिल्कुल, मैं तस्लीम करता हूँ आपकी बात को भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शिया इज़ नॉट मुस्लिम, शिया इज़ नॉट ओनली मुस्लिम, ऑल शियाज आर मोमिन आल्सो, ठीक है भाई। तो आप ज़रूर बिलाल साहब, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। सोमर, चले सोमर भाई, मैं सोमर से मैं आपको करके बता देता हूँ। और ये जो भाई थे बिलाल भाई जो हैं, भाई आप ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा, अगर आपको किसी किस्म के कोई डाउट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, तो ज़रूर हम क्लियर करेंगे। क्लियर भी आपको सिर्फ और सिर्फ कुरान से करेंगे, अहदीस से करेंगे, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं करेंगे मेरा चांद मेरा भाई। हमें आपको मनवाना नहीं है, हमें सिर्फ आपको बताना है, ठीक है। मर्ज़ी आपकी, हदायत अल्लाह की तरफ से और किसी तरफ से नहीं है। मौला आपको खुश रखें। और हम जो आपको जितने भी स्टोन्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लाइफ टाइम गारंटी के साथ है। और ये स्टोन्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की मिथ चलती है। क्रिश्चियंस हैं तो वो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और हमने अपनी एक जेमस्टोन लेबॉरेटरी कायम की है, उसके अंदर एक जियोलॉजिस्ट एंड जमालॉजिस्ट अदनान अब्दुल करीम को हायर किया, जो कि थाईलैंड से जियोलॉजिस्ट और जमालॉजी का कोर्स किए हुए हैं। और हमारे तमाम स्टोन्स लाइफ टाइम गारंटी के साथ होते हैं। प्लीज़ आप हमसे ज़रूर ब ज़रूर जो है एक बार रब्ता कीजिए, हम आपको बारे में बता देंगे क्या है और क्या नहीं है। और जमीलुद्दीन भाई और जिन भाइयों के नाम रह गए हैं, प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो तमाम भाई 0303 वाले नंबर के ऊपर एक SMS कर दीजिए। एक बार फिर ये नंबर चला दीजिएगा, यहाँ अलीबास प्रोडक्शन की तरफ से ये नंबर आपके लिए है। अलीबास प्रोडक्शन का हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया। हम ये चाहेंगे कि अलीबास प्रोडक्शन से आप लोगों के लिए हम काम करते रहें। मौला आपको बहुत ज़्यादा जजा दें और बहुत ज़्यादा अता करें। नादिया, मैं नादिया खान आपके बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और जमीलुद्दीन, और इसके बाद आपने कुछ पूछना है नादिया करामन, तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पर अपना एक SMS दे दीजिए, वहाँ से हम आपके पास लाइव आपके साथ बात करेंगे और आपसे जो आप पूछना चाहती हैं हम आपको बताएंगे, और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनके बारे में बताएंगे। और जमीलुद्दीन साहब, आपका पूरा नाम ऊपर चला गया है, दोबारा विजय अलीजे शाहजैदी सर नेगेटिव। अलीजा 70 और 70 और 100 110 117 117 117। अलीजा बेटा, आप में खूबियाँ बहुत ज़्यादा है, मैं आपके बारे में ज़रूर बताऊँ। बेटा एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपने कहा मुझे मेरी खूबियाँ बताइए, जो शख्स पहले अपनी खूबियाँ सुनना चाहता है वो बेटा खुद प्रस्त होता है, सही है। आपको सबसे पहले अपनी खामियां जानना चाहिए बेटा, कि आप में खामी क्या है, ताकि आप अपनी खामी पर काबू पा सको। बेटा आप में सबसे बड़ी खामी है कि आपको यही नहीं पता कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है, ठीक है बेटा। बेटा आप बहुत साधे, आप बहुत तेज़ बनते हो, बहुत जल्दी अर्निंग करते हो, बहुत जल्दी सीखते हो, लेकिन बेटा मेरी बात आप याद रखना, आप मुझे बड़ा भाई कहो, अपने चचा की जगह रखो, लेकिन बेटा मैं आपको एक बात कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक बात, बेटा आप ज़हीन हो, अकलमंद नहीं हो। खुदा के लिए अपनी अकल पर भरोसा करते हुए खुद तजर्बा करने की कोशिश कम से कम किया करो, पहले अपने बड़ों से मशवरा ले लिया करो, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है बेटा। हालांकि आप इतनी चुलबुल हो, बच्चों में बच्ची, बड़ों में बड़ी, बुज़ुर्गों में बुज़ुर्ग, हर माहौल में घुल मिल जाने वाली, हर महफिल की जान, हर जगह आपका नाम लिया जाता है, हर जगह पूछा जाता है अलीज़े नहीं आई, अलीज़े नहीं आई, अलीज़े नहीं आई, अलीज़े कहाँ है।
बेटा आप में बहुत ज़्यादा खूबियाँ, आपके लिए स्टोन जो है नीलम बहुत है, अच्छा है, पुखराज बहुत अच्छा है, फिरोजे के साथ आप रेडिश कलर में या ब्लैकिश कलर में या जर्द कलर में अकीक पहनिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। जमील हुसैन। और बेटा यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बेशुमार लोग जो हैं वो नकली पत्थर प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि असल क्या है नकल क्या, और आप इतना अरसा पहनने के बाद कहते हो कि नहीं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी इस चीज़ का। तो बेटा जब तक असल पत्थर नहीं पहनेंगे आप उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो आप असल पत्थर लीजिए, हम असल पत्थर आपको प्रोवाइड करेंगे लाइफ टाइम गारंटी के साथ बेटा, और हम आपको बताएंगे कि इसकी असलियत क्या है, ये आपके पर कैसे वर्क करेगा और कैसे काम करेगा और कितना बेहतरीन आपके लिए है। सुमर साहब आपका 60, 60, 86, 66, 240। सुमर भाई आप बहुत एक मेहनती किस्म के इंसान हैं जो है, लेकिन आप की कुत है फैसला बड़ी कमज़ोर है, एक तो फैसला नहीं कर पाते, दूसरे लोग आपसे जो है वो ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। सुमर भाई मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, कर्ज़ अगर किसी को देना तो इतना दीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आप कर्ज़ दे सकते हैं लेकिन कर्ज वापस नहीं ले सकते। मैं सईद फ्रॉम अब्बास नकवी 9 AM सीलिंग की तरफ से आप सबको एक बार फिर बताता हूँ, अली अब्बास प्रोडक्शन पर हमारा ये प्रोग्राम चलता है, हम चाहते हैं कि हमारे मोमिनीन दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने, तो हम ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि आप में खामियां कहाँ हैं और आप अपनी खामियों को दूर कैसे कर सकते हैं, आप अपनी इन खूबियों को बढ़ा कैसे सकते हैं। सुमर साहब आपकी मेहनत से दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे, आपकी जी हजूरी करके आपसे बड़ा कुछ वो हासिल कर लेंगे, नहीं तो आपकी मेहनत पर डाका ज़रूर डलेगा, लोग आपके पास आएंगे आपकी मेहनत के जो की हुई चीज़ें उनको हासिल करेंगे और उस पर ऐश वो करेंगे। सुमर साहब आपको एक अच्छे, बहुत अच्छे, आप एक ऐसे असील किस्म के घोड़े हैं और अरबियन नस्ल किस्म के घोड़े हैं कि जिस पर जितना अच्छा शह सवार होगा उतनी दूर तक आपको भगाता हुआ ले जाएगा, ठीक है? और सईदा तैयबा आप भी और आतिफ रजा आप भी, भाई आप सब भाइयों को मैं आपसे सिर्फ एक ही कहूँगा कि ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है आप एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिए, एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिए, उस कॉल के ऊपर आपको SMS एक आ जाएगा, हम खुद आपसे रابطہ कर लेंगे, खुद आपसे रابطہ करेंगे, लेकिन एक कॉल ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? बेटा अगर मैं यहाँ पर नहीं आना आपको, आप जो WhatsApp मुझे करेंगे उस WhatsApp पर हम खुद आपको कॉल करके आपकी टर्न के ऊपर आपसे बड़ा हम डीपली जो है वो बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको हम आपसे आपके कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। आप इसके ऊपर बेफिक्र रहिए कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपको यहीं बताएंगे और फ़ौरन नफीस के बाद ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। बेटा हमारे नंबर्स मौजूद हैं YouTube के ऊपर, आप मेरा नाम लिख दीजिए सैयद खुर्रम अब्बास नकवी, आप YouTube के ऊपर 9 AM हीलिंग पर आ जाइए, आप Facebook पेज 9 AM हीलिंग पर आ जाइए, खुर्रम जेमस्टोन हीलिंग पर आ जाइए। बेटा हर जगह आपको मैं मिलूँगा और कहीं पर भी मैं आपके बारे में आपको बताऊँगा कि आप में खूबियाँ क्या हैं, आप में खामियाँ क्या हैं, आप अपनी खूबियों को बढ़ा कैसे सकते हैं, आप अपनी खामियों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, आप में कमज़ोरियाँ क्या हैं, और आपके अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं तो किस वजह से हैं, उसकी बेसिक वजूहात क्या हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, चीज़ें हैं, याद रखिए मौला अली के चाहने वालों के पीछे ही, क्योंकि मौला अली के चाहने वाले जो हैं वही सिराते मुस्तकीम पर हैं और जो लोग सिराते मुस्तकीम पर हैं शैतान उन्हीं के भटकाने के लिए मौजूद है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ब ज़रूर ज़रूर ब ज़रूर आप जो है ये करें। और इसके अंदर मैं एक बात आपको बता दूं कि हम नजूम को बिल्कुल नहीं मानते, हम जायचे वाचे बिल्कुल नहीं बनाते, और हालांकि ये बातें मैं ये काम मैं पहले किया करता था, बहुत इजी चीज़ है, आपका फ़लाँ बुरज है, फ़लाँ सितारा है, फ़लाँ चीज़ है। मौला अली मुतकियान ये फरमाते हैं कि मैं और मेरे शिया इन सितारों के राह रो हैं, ठीक है? और ज़ैनुल आबिदीन भाई आप एक SMS कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास आप तैयबा बेटा एक SMS कर दीजिए। और बिलाल कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आप छोटे भाई हो,
हमें मालूम है कि हमारे बारे में इस कदर गलत प्रोपेगेंडा किया गया, इस कदर गलत प्रोपेगेंडा किया गया कि बेशुमार लोगों को पता ही नहीं कि असल हकीकत है क्या। तो हम कभी भी इन बातों का बुरा नहीं मनाया करते। मुझे बेशुमार लोगों ने काफिर कहा और मैं हंस के कह दिया करता हूँ हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है बेटा। कुफर असल में है क्या, शिर्क है क्या, औलिया किराम ने प्यार क्यों बांटा? बिलाल आप ज़रूर SMS कीजिए, मैं आपको स्पेशल 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 मैं आपके साथ रابطہ करूँगा। आप जैसे भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे लिए बहुत, हम अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को कि जो अपने दिल के अंदर नहीं रखते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, खुले दिल के मालिक होते हैं, ठीक है। और आप लोग, हमें आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि या तो आप हमारी बात को तस्लीम करेंगे या आप हमें मुतहद कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम आपको सलाम भेजते हैं, ठीक है। मैं तो सिपाही सहाबा वालों को भी कहा करता था कि यार तुम लोग बड़े ग्रेट बंदे हो, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बंदे हो। वो बड़े हैरान होकर कहते थे कि सैयद आप हमें ग्रेट क्यों कहते हो। मैं उनसे कहता था कि यार हमें तो पता नहीं अपनी औकात का कि हम हैं या क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन तुम हमें इस वजह से कत्ल करते हो कि हम मुहिब्बाने अली हैं, तो कम से कम एक तमगा तो हम सीने पर लेकर जाते हैं ना, हमें सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं कि मौला अली हमें आपकी मोहब्बत में कत्ल किया गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने कत्ल होते हैं उतनी ही मेरी मौला की मल से और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अवेयरनेस है। और याद रखिएगा कुरान पाक की वो आयत सूरह ज़लज़लाल की कि आखरत से पहले ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी, ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी। तो ज़मीन से कोई जवाहरात मोती नहीं निकलेंगे बेटा, ये जो ज़मीन अपने ख़जाने उगलेगी वो ख़जाने हैं इल्म के, वो ख़जाने हैं मार्फते मौला के। आज आपकी टिप्स पर, आपकी उंगलियों की टिप्स पर तमाम दुनिया आपके सामने है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप चंद लम्हों में सामने रख लेते हो, उसको पढ़ते हो और उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दे देते हो, ठीक है बेटा। और मैं आप तमाम लोगों से आखिरी बात, क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, अली अब्बास भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे ज़्यादा टाइम दिया, और शायद मैं चूँकि दो हफ्ते तक आया नहीं था इस वजह से ये प्रॉब्लम थी, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया आज। बाकी जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 0303 एक बार फिर नंबर चला दीजिएगा, कि ये जो हमारा नंबर है अली अब्बास प्रोडक्शन की तरफ से, और ऊपर जो पोस्ट चल रही है सबसे ऊपर भी लिखा है, एक बार उस पर कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए। हम लोग ज़रूर बज़रूर आपसे रابطہ करेंगे, ज़रूर बज़रूर मौला की चाहत में आपसे रابطہ करेंगे। हम चाहेंगे, हमें आपसे कोई, आप हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदिए। अगर आपको हम पे कोई एतमाद नहीं, बिल्कुल मत खरीदिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपको एतमाद है वहाँ से खरीदिए, वहाँ से खरीदिए आप। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप हमें हमारी खामियां ज़रूर बताइए। हम तालिब इल्म हैं, हम आलिम लोग नहीं हैं, हम तो सीखने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे मौला की हदीस है, मेरे मौला की हदीस है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक। तो मरते दम तक तो मैं तालिब इल्म रहा, मैं आलिम कब बना? मेरी नज़र में आलिम मेरे सिर्फ 14 हैं, जिनको खल्क करके उस एहसनुल खालिकीन ने अपने रब्बुल आलमीन होने पर फ़ख्र किया, और मैं तालिब इल्म ही रहना चाहता हूँ, मैं मौला का जाकिर ही रहना चाहता हूँ, मौला का मदा खान ही रहना चाहता हूँ। मुझे इसके अलावा कोई अलकाबात नहीं चाहिए। आप भाइयों से सिर्फ एक दुआ है, अली अब्बास प्रोडक्शन का जो नंबर है इस पर एक SMS ज़रूर कर दीजिएगा। आपको ये मेरी चीज़ अच्छी लगी हो तो इसको जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए, अली अब्बास प्रोडक्शन को शेयर कीजिए। मैं सैयद खुर्रम अब्बास नकवी 9 Gems हीलिंग की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप ज़रूर ब ज़रूर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप रابطہ कीजिए, हम आपको आपके बारे में ज़रूर बताएंगे और खालसियत नीयत से बताएंगे। हम चाहेंगे कि हमारा कोई बहन भाई हमारी किसी बहन का घर ना उजड़े, हमारे बहन किसी बहन के घर में, किसी बेटी के घर में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारी बेटियां अपने बापों के घरों में ऐश करती रहें तो अपने शौहरों के घरों में भी ऐश करती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए अपने भाई को कि मुझे इजाज़त दीजिए, टाइम बहुत ओवर हो चुका। आप एक SMS ज़रूर कर दीजिएगा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा खात्मा बिल खैर हो, खात्मा बिल ईमान हो, मैं जीऊँ तो अली अली करते, मरूँ तो हुसैन हुसैन करते। वमा अलैना इल्लल बलाग।